हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो गाइस, सुबह हो गई है और आजकल ठंड होने लगी है। बहुत बहुत तो नहीं, शुरुआत हो गई है ठंड की। सुबह सुबह रजाई से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन उठना पड़ेगा। आज बहुत सारे काम हैं निपटाने। वैसे तो मैंने आज घर जाने की सोची थी, पर सडनली प्लान चेंज हो गया रात को ही। तो इस सैटरडे मैं घर नहीं जा रही, यहीं पे बहुत सारे काम, आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। और अनुपा भी बाहर गए हैं, मैं चाय वाय पी के दोबारा लेट गई थी, थोड़ी बहुत देर ठंड लग रही थी। तो हम क्या, अनूप जब तक आते हैं मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और मैंने रजाई में बैठ के व्लॉग एडिट किया। रजाई में दोबारा घुसने के बाद पता है और भी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो अभी मैं लग जाती हूँ अपने काम में, तो मिलेंगे फिर। तो अनूप कर रहे हैं यहाँ हेयर ट्रीटमेंट की तैयारी। तो दिन की शुरुआत हेल्थ केयर के साथ। सुबह सुबह आज बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरे भी बहुत रफ हो रहे हैं और अनूप के भी रफ हो रहे हैं। तो कुछ हेयर ट्रीटमेंट देखा था, उसी को ट्राई कर रहे हैं। अगर सही लगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। ये है कड़ी पत्ता, और इसके साथ हम क्या करने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। चल, दिखा तो बाद में भी सकते हैं, क्योंकि हम पे असर किया तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पहले नहीं। बहुत है। सुबह सुबह उठते ही कपड़े धोने का काम करें। तो आज मैं करूंगी इस कमरे को ठीक, क्योंकि कल अनुप लेटे होंगे, पीछे से सर्दियों के कपड़े लेके आई थी मैं। तो ऐसे पैक रखे हुए थे मैंने सारे ढक के, इस यहीं पे, कहीं और जगह है नहीं। तो अभी मैंने अलमारी खाली की है, यहाँ पे शूज़ रखे हुए थे, तो शूज़ के लिए मैंने बाहर ये रैक रखा हुआ था, ऐसे ही बेकार पड़ा था। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ रख दिया, इसमें शूज़ सारे रख दिए हैं। और मैं इन कपड़ों को अब उसमें लगाऊंगी, उस अलमारी में, वहाँ पैक करके रख दूंगी, क्योंकि अभी ये चाहिए नहीं, ज़्यादा ठंड के हैं, तो इनको पैक करके ही वापस रख दूंगी। और अभी मिस्टर गरेवाल साहब यहाँ कुछ बालों के लिए नुस्खा बना रहे थे, वो बना दिया, लेकिन पूरे कमरे में ऐसे पत्ते ही पत्ते कर दिए हैं। तो आज मैं करने लगी हूँ अपने कमरे को अच्छे से सेट। पता नहीं यहाँ कितने दिन रहना है, मैं ये सोच रही थी ऐसे ही काम चल जाएगा, क्यों अच्छे से साफ़ किया। बाकी अब नई जगह जाएंगे, वहाँ ही करेंगे अच्छे से सारी सफाई। तो ये सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और एक ही रूम है ना। तो अभी हमने नया लिया है मकान, तो अभी करेंगे थोड़े दिन बाद उसमें शिफ्टिंग। तो ऐसे ही हम काम चला रहे थे कि यहीं ऐसे ही पैक करके रखा हुआ था सब, जो चाहिए पन्नी में से ही निकाल लेते थे, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं है, ज़्यादा बड़ी अलमारी नहीं है, नॉर्मल ही है। तो ऊपर तो हमने इसमें जो फालतू का सामान है वो रखा हुआ, जो कभी भी नहीं चाहिए, तो बहुत कम चाहिए। आई थिंक पैकिंग वगैरह का ही है, जो यहाँ से पैक करके लेके जाना है वो सामान है, तो इसीलिए बाहर ही रखा हुआ है सारा सामान। अब नए घर में तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है ऐसे रखा हुआ बाहर। मैं अंदर ही रख दूँगी आज, इसको मैंने जगह बना दी है। तो अभी मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, अनूप बाल कटवाने गए हुए हैं। तो हमने जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए बनाया है उसको अब हम अप्लाई करके देखते हैं क्या रहता है। तो पहले मैं लगा रही हूँ अनूप को, फिर अनूप मुझे लगा देंगे, क्योंकि ये पानी की तरह है बिल्कुल। इससे तो गाढ़ा तेल भी हुआ। तो खाना बन गया है और अब हम खा रहे हैं खाना, हम दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं मिलके। और सारा राशन पानी ऐसे ही रख लेते हैं, अलग अलग नहीं डालते। सुजी, दोपहर का टाइम हो गया और मैंने हैंड वॉश कर लिया, अनूप तैयार होके बाहर जा चुके हैं अपने काम से, मैं भी निकलूँगी थोड़ी बहुत देर में, थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा देर का नहीं है। और अभी मैं नहा के हेड वॉश करके आई हूँ, जो अनूप ने फॉर्मूला बनाया था बालों के लिए वो लगाया, कुछ फेस ट्रीटमेंट भी किया, हेयर ट्रीटमेंट भी किया। नेचुरल पे ही हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, मेरे को अच्छे नहीं लगते बाहर के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट, तो मैं वो यूज़ नहीं करती, नेचुरली यूज़ करती हूँ। तो अभी जो मैंने हेड में लगाया था, चल इतना कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा मुझे। दरअसल वो था डाई करने के लिए था, कि जो एक आध वाइट बाल दिख रहे हैं ना वो डाई हो जाएंगे, और अनूप के भी काफ़ी
वाइट बाल हो रहे हैं तो वो डाई हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जो डाई मिलती है बाजार में केमिकल वाली, उसको अनूप भी नहीं लगा के खुश, तो उन्होंने आज तक नहीं लगाई। उनको सबने बोल दिया कि लगा लिया कर, नहीं लगाते, पर वो हम नेचुरल ही देख रहे थे, कुछ नेचुरल मिल जाए, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और मैंने भी लगा के देखा था, ऐसा कुछ खास असर नहीं हुआ, बाल भी इतने ज़्यादा सिल्की नहीं हुए। पर यूँ है कि देखो, थी तो नेचुरल चीज़ें, कुछ तो प्रोटीन वगैरह, कुछ तो अच्छी चीज़ें मिली होंगी ना, कोई बात नहीं। तो अभी अनूप जा चुके हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर में निकलूँगी रेडी होके, सो फिर मिलते हैं। आज मैंने सारे कपड़े धो दिए, आज यहीं थी ना सैटरडे को, तो इतने तो हो ही जाते हैं, पहले हाथ से ही धोने पड़ते हैं। अभी तो धूप भी सही थी, सूख गए हैं अच्छे से, अब उतारने का टाइम हो गया, उतार के अभी जाऊंगी मैं बाहर। ये दिवाली की लाइट्स अभी तक नहीं उतारी, इसमें से आधी तो खराब हो चुकी हैं, आधी बची हुई हैं, ऐसी होती है बस, एक ही दिवाली पे चलती है, अगली दिवाली तक तो आधी खराब हो जाती है। और आज मैंने सारी सफाई कर दी है, क्यों रोज तो डेली मैं जाती हूँ ना, तो बाहर तो इतना कुछ हो नहीं पाता है, तो आज मैंने कर दी है, सारा सेट कर दिया है कमरा, सही अच्छे से सेट हो गया। ये एप्पल अनूप यहाँ बेड पे रखे गए हैं कि आज मेरे को ये एप्पल यहीं मिली ना तो तुझे मैं बताऊंगा, इस एप्पल को खा लेना, तो बेड के बीच में रखे गए ताकि मेरे को याद रहे। किचन भी सारा सेट हो गया है, सही लग रहा है आज कमरा, फैला फैला नहीं लग रहा, बाकी कई दिन से बाहर रखे हुए थे यहाँ पे कपड़े, क्योंकि अंदर अलमारी में जगह नहीं थी, आज जगह बनाई, शूज सारे बाहर रखे और वहाँ पे साफ करके मैंने कपड़े रखे। तो शाम का टाइम हो गया है और सूरज चाचू भी छिपने वाले हैं, और अनूप और मेरे सारे काम लगभग हो गए हैं, तो आज का सारा वर्क ख़त्म, अभी हम निकले हैं फ़ोटोशूट के लिए, थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए द्वारका पे, यहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटोशूट किया, फिर अब हम वापस निकल रहे हैं, अंधेरा हो गया, लाइटें जल गई है द्वारका की, सारी खाली पड़ा है एकदम रोड, इस वाले रोड पे कोई नहीं आता, उधर इसकी उधर भी चलती हैं ट्रैफिक, इसके उधर दोनों साइड चलती हैं, बीच में एक रोड खाली रहता है, अभी अभी इस पर ट्रैफिक नहीं आता, ये आगे से बंद कर रखा है। जो व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके शेयर किया दीजिए। ठीक है, घर पे मिलना, ओके। अरे फोन नहीं लेके जाना क्या अपना, फोन तो ले जा, आ जाओ जल्दी। हाँ किन्नु क्या कर रही है, फुटबॉल खेल लूं इस टाइम, खाना बना ले, फुटबॉल रहने दे, हाँ फुटबॉल खेलने का टाइम नहीं है ये, तो फिर आप ने दिखा कौन, मैं क्या करूँ, 8 बज गए, खाना बनाने लगे दिखा कौन, अरे मैं अंदर फुटबॉल खेलूंगी, अरे फुटबॉल है, अच्छा दिखा ना फुटबॉल खेल, अरे तू बोल तो रही है, फिर तो क्या कर रही है, तो पता है आपको मैं खाना बना रही हूँ, वो तो पूछने ऐसे ही पूछते हैं हरियाणा के लोग, यहाँ ऐसे ही तो पूछते हैं कि जब कोई आता ना मेहमान घर पे आ जाता है, आ गया भाई, खा आ गया, तो ऐसे ही यहाँ भी पूछते हैं, खाना क्या कर रही है, खाना बना रही है, क्या कर रही है, ऐसे नहीं पूछते हरियाणा वाले, ऐसे पूछते हैं के बना हुआ है, अच्छा के कर रही है, ठीक।